क्षेत्र स्थित साहु पोखर में 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दो दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आज युवक का शव बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान पुरानी गुदरी साहु रोड चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट निवासी 30 वर्षीय संजीत रजक के रूप में की गई। मौके पर एक प्रयास मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि साहु पोखर में हर साल लगभग 4 से 5 लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, जैसे साहु पोखर की गहराई लोहे का बैरिकेडिंग और पानी कम कराया जाए, साथ ही 24 घंटे गोताखोर की व्यवस्था भी की जाए। हुआ कुछ निहाने आया, गोड़ पिछल गया, कैसे गिर गया। कब डूबा था? परसों 6 बजे नहाने गए थे ना। हाँ। क्या नाम था? संजीव कुमार। उम्र कितना था? 30 साल। क्या करता था? रिक्शा चलाता था। तो क्या करने आया था साहु पोखर? अब गर्मी का दिन था, वो कहीं निहाने वाने आया, बस वही बात है। सामने डूब गया ना। हाँ ठीक। आप कौन है? मुन्ना राजा। समस्या ये है कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में साहु पोखर, जिसका एक अलग ही पहचान है, चारों तरफ सीढ़ी, बीच में पोखर और दोनों तरफ मंदिर, पर बहुत दुख की बात है कि हर साल इस पोखर में लगभग 4 से 5 लोग की मौत हो जाती है। और हर बार हम लोग इस पोखर की सुरक्षा की व्यवस्था की मांग करते आ रहे हैं। मांग ये करते आ रहे हैं कि इस पोखर की गहराई को कम किया जाए, पानी को कम कराया जाए, लोहा का बैरिकेडिंग किया जाए, गोताखोर की व्यवस्था किया जाए, पर आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज फिर से एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जो कि बहुत दुखद है। और वो व्यक्ति वार्ड 39 पुरानी गुदरी चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट के पास उनका मकान हुआ। संजीत रजक नाम था, उम्र 30 साल था और रिक्शा चलाकर वो जीवन यापन करते थे। और जन्माष्टमी के दिन मतलब वो गए थे नहाने के लिए पोखर में, साहु पोखर में, और उसकी डूबने से मौत हो गई है, जिसका बॉडी शव आज निकाला गया है। और हम बता दें फिर से कि हर साल 4 से 5 लोग की मौत हो जाती है और ये दूसरा मौत है। और हर बार हम मांग करते रहते हैं और फिर हम आप मीडिया के माध्यम से शहर के जिला प्रशासन और साहु पोखर न्याय समिति से मांग करेंगे कि सबसे पहले आप इस पोखर की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। पोखर व्यवस्था ये करना है कि सबसे पहले इस पानी को कम किया जाए, इसको गहराई को कम किया जाए, और जो सीढ़ी बना हुआ है लगभग 5-6 सीढ़ी के बाद लोहा का बैरिकेडिंग किया जाए, और 24 घंटा गोताखोर की व्यवस्था किया जाए, ताकि कोई व्यक्ति अगर नहाने जाते भी है तो वो गोताखोर के माध्यम से उसको निकाला जाए, तो उसकी जान बच सके। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।